नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। हमीद सेतु के मरम्मत पूरा होने के बाद सेतु के दोनों तरफ 10-10 फीट के लोहे का हाइट गेज बैरियर लगा दिया गया है। बावजूद इसके सेतु पर चारपहिया वाहनों का संचालन प्रारंभ नहीं किया गया। इसकी वजह से राहगीरों, वाहन चालकों सहित क्षेत्रीय लोगों में प्रशासन के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि आखिर किन कारणों से जिला प्रशासन मरम्मत कार्य पूरा होने के बावजूद पुल पर अभी भी चारपहिया वाहनों के दौड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इससे राहगीरों को पैदल ही पुल पार करने को मजबूर होना पड़ रहा है। प्रशासन से लोगों ने गुहार लगाई है कि समस्याओं को देखते हुए अविलंब सेतु को वाहनों के लिए खोला जाए ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके। इस संबंध में सदर SDM अनिरुद्ध प्रताप सिंह ने कहा कि अभी तक संबंधित विभाग द्वारा प्रशासन को रिपोर्ट नहीं मिली है। रिपोर्ट के आधार पर पुल को वाहनों के लिए खोला जाएगा। वहीं पुल के मरम्मत में लगे गुजरात कंपनी के इंजीनियर पराग पटेल ने कहा कि पुल के ज्वाइंटर की मरम्मत पूरी करने के बाद पुल के दोनों तरफ हाइट गेज बैरियर लगा। इसकी पूरी रिपोर्ट NHAI वाराणसी को प्रेषित कर दी गई है। दीपावली पर लाखों के पटाखों से धूम धड़ाका होगा, इसके लिए लंका मैदान में 39 पटाखे की दुकानें लगाई गई हैं। लोगों की तरफ से इसकी खरीद का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। लोगों ने बम, एटम बम, चटाई सहित छोटी बड़ी लड़ियों वाले पटाखों की खरीद की, तो बच्चों ने भी मुर्गा बम, फूलझड़ी, रॉकेट, अनार सहित लाइटिंग आदि के पटाखों को पसंद किया। सुबह से लेकर देर रात तक अभिभावकों के साथ बच्चे पहुंचते रहे। बच्चों की जिद पर अभिभावकों को उनके मन पसंद का पटाखा दिलाने को विवश होना पड़ा। व्यवसायी मुकेश कुमार ने बताया कि इस बार पटाखों के दाम में तेजी आई है। लोग जरूरत के हिसाब से ही पटाखे की खरीद कर रहे हैं। अभी दुकानदारी में कोई खास तेजी नहीं है। उम्मीद है कि दीपावली के दिन इसकी बिक्री की रफ्तार बढ़ेगी। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में शुक्रवार को जिलाधिकारी से मिला। इस दौरान लावा सुभाकरपुर मार्ग निर्माण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। जिलाधिकारी से वार्ता के दौरान विधायक डॉक्टर यादव ने कहा कि लावा सुभाकरपुर मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। भारी वाहनों के गुजरने से पूरा का पूरा मार्ग गड्ढे में तब्दील हो गया है। इससे आवागमन करने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मार्ग पर आए दिन दुर्घटना होना आम बात हो गई है। इससे लोगों में निराशा के साथ ही रोष गहराता जा रहा है। उन्होंने तत्काल लावा सुभाकरपुर मार्ग पर निर्माण करने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल में जिलाध्यक्ष रामधारी यादव, पूर्व जिला महासचिव सदानंद यादव, मीडिया प्रभारी अरुण कुमार श्रीवास्तव, राम बच्चन यादव, दिनेश यादव, राजेंद्र यादव, राहुल सिंह आदि कार्यकर्ता शामिल थे। पर्वों को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के मद्देनजर जमानिया कोतवाली प्रभारी राजीव कुमार सिंह पुलिस कर्मियों के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील थे। इसी दौरान उनकी नजर कस्बा के दुरहिया में स्थित दिया आदि सामानों की दुकान पर बैठी एक मोटा पावर शीशा का चश्मा लगाए वृद्ध महिला पर पड़ी। उसको देख कोतवाल के मन में शायद ये बात आई कि वो ग्राहक का इंतजार कर रही है। इस पर वो तुरंत उक्त दुकान पर पहुंचे। पुलिस को देख बूढ़ी महिला कुछ देर के लिए सहम गई, लेकिन जब कोतवाल ने मिट्टी का दीप मांगा तो महिला खुश हो गई। उसने जल से पॉलिथीन में दर्जनों दीप रखकर कोतवाल को दिए। इसके बाद कोतवाल महिला को पैसे देने लगी। इस पर महिला पैसे लेने से मना करते हुए कहने लगी, आप दिया ले जाइए साहेब, इसका पैसा नहीं चाहिए। बावजूद इसके महिला से विनती करते हुए कोतवाल ने उसे पैसा दिया। महिला बच रहे पैसे को लौटाने लगी तो कोतवाल ने कहते हुए पैसा वापस नहीं लिया कि चाची दीपावली पर बच्चों को मिठाई खिला देना। इस पर महिला ने भावुक होते हुए कोतवाल को हाथ जोड़कर आशीर्वाद दिया। वैसे तो रोशनी के पर्व दीपावली पर अधिकांश लोग बिजली के झालरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुम्हारों द्वारा उंगलियों की कला से गढ़े गए मिट्टी के दियों की पूछ कम हो गई है। कोतवाल राजीव सिंह ने गरीब वृद्ध महिला की दुकान से दिया खरीदकर शायद लोगों को इस बात का ही संदेश देने का काम किया है कि दीपावली पर मिट्टी के दियों से ही घरों को रोशन करें, जिससे दिया की बिक्री करने वालों की दीपावली भी अच्छे से मन सके। इस समय बाजार में सिंघाड़ा फल की बहार आई हुई है। ठेले पर इसकी बिक्री की जा रही है, लोगों की तरफ से इसकी खरीद की जा रही है। तमाम जहां कच्चे सिंघाड़ा का स्वाद ले रहे हैं, वहीं कई इसे उबालकर चटनी के साथ इसका स्वाद चख रहे हैं। छठ पूजा में भी सिंघाड़े का फल को चढ़ाया जाता है। तालाब में इस फल को पैदा करने वाले लोग इसकी तोड़ाई के लिए छोटी नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर बैठकर इसे तोड़ रहे हैं। इसके बाद बाजार में इसकी बिक्री कर रहे हैं। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।